बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वेट मैजिक होम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मज़ेदार सी रेसिपी है और ये रेसिपी जो है पेशावर वालों की है, बलोचिस्तान वालों की है। नमकीन गोश्त जैसे हम बोलते हैं रोश, और ये जो है पेशावर की सबसे ख़ास डिश है। देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी है, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है इसकी। तो जनाब हम अपनी रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, तो सोचा क्यों ना आज आपको पेशावर की सैर करवाई जाए इसकी तैयारी के साथ साथ। तो मुझे तो पेशावर जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो आज मैं आपको भी अपने साथ पेशावर लेकर चलती हूँ। तो चलें पहले हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसकी इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ें मुझे चाहिए, आलू जो हैं वो मैंने तकरीबन 6-7 ली हैं, उनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। टमाटर है मेरे पास 5-6, दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं मेरे पास, हरी मिर्ची है मेरे पास 10-12, और ये तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो जो है वो गोश्त है हड्डी वाला और थोड़ा सा चर्बी वाला। तो साथ ही मेरे पास इसमें है लेमन जूस है, घी है मेरे पास 1 बाउल। तो बेसिक जो इसमें चीज़ शामिल होती है वो चर्बी शामिल होती है, तो मेरे पास चर्बी नहीं है लेकिन मैंने इसमें घी शामिल कर लिया। तो जनाब देख सकते हैं आलू को हमने इस तरीके से सेट कर लेना है, पूरे जो पेंदा है। नॉर्मली ये जो रेसिपी है ये लैम के गोश्त की बनती है, और चर्बी होती है इसमें, नमक होता है, और जो क्या कहते हैं इसमें आलू जो है वो बिना कटिंग किए हुए जो है वो छिलकों के साथ भी शामिल होता है, छिलकों के बगैर भी शामिल होता है। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग कर लेनी है। और ये गोश्त आप देख सकते हैं क्योंकि मेरे पास चर्बी नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी इसमें जो गोश्त है वो चर्बी वाला है मेरे पास, हड्डी वाला है, तो मैंने इसको तरीके के साथ जो है वो आलुओं के ऊपर जो है फैला देना है। तो लहसुन की पोटली जो होती है वो एक यूज़ होती है, लेकिन मेरे पास लहसुन जो है वो नहीं था, तो इसलिए मैंने लहसुन पाउडर जो है उसको यूज़ किया है। अदरवाइज़ इसमें जो है वो लहसुन साबत की साबत जो है पूरी गड्डी जो है वो लहसुन की इसके बीच में साबत आती है, प्याज साबत आएगा, और टमाटर जो है वो रख देंगे, सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो शामिल कर देंगे, और जो नमक है इसमें सिर्फ नमक शामिल होगा, और मैंने लहसुन पाउडर यूज़ किया है, आई एम सॉरी। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ों को जो है वो तरीके के साथ इसके बीच में रख देना है। बस इसका इतना सा काम है, आपके पास चीज़ें आपकी सारी होनी चाहिए, इसकी कोई हमने भुनाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। और ये जो डिश है ये बहुत अपने स्टीम पे बनती है, बहुत हल्की आंच पर। तो क्योंकि गैस का इशू है, टाइम हम लोगों के पास नहीं है और गैस का इशू है, तो इस वजह से मैं इसको वेट लगा रही हूँ। तो इसमें लेमन जूस जो है वो भी फैला दिया, उसके बाद मैं इसके ऊपर जो लहसुन पाउडर है वो शामिल कर दूंगी, और घी जो है वो शामिल कर दिया। सारी चीज़ें मतलब जो हम इसके इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हम इस तरीके से शामिल करके उसके बाद मैंने इसको वेट लगा दिया। और अगर आपने इसको देचकी में बनाना है, गैस का इशू नहीं है, तो आप इसको मिट्टी की हांडी में बहुत ही मज़ेदार किस्म का इसका टेस्ट आएगा। आपने इसको सारी चीज़ें एज इट इज़ शामिल करके, और जो आपने इसको जब आपने इसको कवर करना है, तो हमने आटे का जो है वो आटे के साथ उसका मुंह बिल्कुल बंद कर देना है, ताकि कहीं से भी स्टीम बाहर मत आए। तो इसमें हमने कोई पानी शामिल नहीं करना, इसने अपनी ही स्टीम के अंदर पकना है। और जनाब ये हमने इसको तकरीबन मैंने प्रेशर कुकर भी इसको लगाया था, तो 1 घंटा जो है मैंने इसको हल्की आंच पे रखा था, और 1 घंटे के बाद जो है मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, क्योंकि हमने इसको भूनना नहीं था, इसका कुछ भी नहीं करना था। ये देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार सा, कितना खुशबूदार, इसका टेक्सचर चेक करें, इसका टेस्ट बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा। और ये देखें कितना मज़े का गल चुका है, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी। तो जनाब हमारे रोश की पेशावरी रोश नमकीन गोश्त, इसको आप ट्राई कीजिएगा, दम पुख्त कह लें। तो हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत ही ये जो है ओकेयन ली, जो वहाँ पे पेशावर में ओकेयंस वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है उस टाइम में, तो और बलूचिस्तान में भी। तो ईद पे तो आपको मालूम है ये चीज़ें बनती ही बनती हैं। तो अभी जो है बकरा ईद गुजरी है, तो सब ने बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा। तो मुझे तो इसकी बहुत तारीफ़ मशहूर हुई, सब ने इसको बहुत पसंद किया। तो जनाब मिलते हैं एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ जल्द ही। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।